जब मैं कहूँ आएगा वो, इट्स आएगा वो मेरे लिए, आएगा वो नो ऐसे नहीं, आएगा वो मेरे लिए, आएगा वो, एक बार और सुनो, आएगा आएगा वो मेरे लिए। हाँ जी बेटे रिलैक्स, चलो 5 मिनट ब्रेक लेते हैं। अंजू डार्लिंग। यस मैम। डार्लिंग आपको पता है ना कि कल पहली बार हम दिवाली का फंक्शन कर रहे हैं, राइट? तो नो प्लीज, सनी भैया कल आ रहे हैं, नहीं, आई वांट टू गिव हिम अ सरप्राइज, बट डार्लिंग यू आर सिंगिंग। ओके ओके, हम एक काम करते हैं, तुम एक दूसरा सेक्शन गाओ। ओके नो मैम प्लीज, कल सनी भैया आ रहे हैं, मैं प्रैक्टिस करूंगी, मैं ठीक से गाऊंगी, प्लीज। ओके 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 ओके, तुम वही गाओ। ओके ओके, नाउ यू गो होम एंड रिलैक्स। अंजू, मुझे पता नहीं था कि तुम्हारा एक भाई भी है। हाँ सनी भैया। रियली? और क्या करते हैं तुम्हारे भाई? ओ गैंगू है, गैंगू। व्हाट? हर किसी की हर कोई बात है, मुझे खबर, चलना बच के जरा, सब पे है मेरी नजर। कि हर कोई बात है, मुझे खबर, चलना बच के जरा, सब पे है मेरी नजर। ऐसा कुछ भी नहीं जो मुझको नहीं पता, ऐसा राज ना कोई जो मुझसे छुपा हो। टेक इट इजी, मैं आ गया हूँ, पूछ लो जो पूछना हो। टेक इट इजी, मैं आ गया हूँ, लो जो कुछ ना हो। hey, किसके लिए है ये जमाना, है बना जमाना मेरे लिए, लिए। जो भी करना है मैं करूंगा, दुनिया बनी है मेरे लिए। ऐसा कुछ भी नहीं जो चाहा और ना मिला, सारी ख्वाहिशें मेरी राह में रुकी है मेरे लिए, मेरे लिए। यारो, who am I to you? Yeah, take it easy, मैं आ गया हूँ, पूछ लो जो पूछना हो। Take it easy, मैं आ गया हूँ, पूछ लो जो पूछना हो। वाह मेरे सनी चोपड़ा, बहुत बड़ा राइटर बनेगा तू। क्या
ए नानी 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 मेरी जान मेरा प्यार मेरी मोहब्बत हम ये फ्लोर बोर्ड क्यों नहीं ठीक करवाते हैं यार हम नहीं तुम जिस दिन फोन करने की तकलीफ करोगे उस दिन ये ठीक हो जाएगा मैं नहीं व्हाई व्हाट व्हेन वेयर क्यों कब कहां कैसे नानी शाबाश नानी शाबाश इधर आ भगवान इसे ठीक से रखे हाँ जरूर और सही रास्ता दिखा अपने लिए एक पैंट भी मांग लेना ये नानी बाल साहब थैंक यू सुनो 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 अब क्या नानी भगवान को लेके हमेशा मजाक मत करो मजाक मैं कम से कम मैंने पैंट तो पहनी है ये देखो P3P नामक कातिल का नवा शिकार बनी मिस मोनिका मार्टिनी P3P यानी कि पेज 3 साइको जो अपने कलाम के आकार के हथियार से सारे शहर में हाहाकार मचा रहा है उसने कल मोनिका मार्टिनी पर 7 बार वार किया उसका खून कर दिया 7 वार क्यों क्या अरे 7 वार क्यों 9 वार क्यों नहीं 9वां खून 9 वार मुझे क्या मालूम हो सकता है 7 बार वार करने से उसके कलम की स्याही खत्म होती होगी ये देख आज पेज 3 बिल्कुल खाली है फोटो देने से डरते हैं इसमें देखो चेहरे के हाथ पर रख के ढक रहे हैं उनको डर लग रहा है कि अगर वो P3P ने उन्हें देख लिया तो उनका भी खून हो जाएगा उसको पकड़ने का इनाम 10 लाख रुपए रखा है अरे फौरन चल करके इसको पकड़ लेते हैं काश ये 10 लाख रुपए हमें मिल जाए बहुत अच्छे आप देखते रहना चल अच्छा लेकिन आप तो क्रिश्चियन है तो आपकी दिवाली पे डांस करें वो भी आधी नंगी होके मैं ऐसी हूँ सर मैं सब मानती हूँ तुम दिवाली में विश्वास नहीं करते किसी को तो करने दो सर नहीं 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 नानी नहीं रहम खाओ मेरी जिंदगी पे कप्स दो आई लव यू गंदगी नानी नानी ए नानी क्या कर रही हो यार व्हाट आर यू डूइंग सनी इट्स दिवाली रोशनी को अंदर आने देना चाहिए और मच्छर मच्छर मच्छरों को भी अंदर आने देना चाहिए हाँ क्यों नहीं क्यों मच्छर भी दिवाली मनाते हैं क्या एक तुम्हें छोड़कर पूरी दुनिया दिवाली मनाती है तुम पूरी दुनिया में सबको पहचानती हो क्या हाँ ओके नानी आप तत्सु हीरो कुरोदा को पहचानते हाँ अच्छा सनी तुम्हें स्क्रिप्ट नहीं लिखना है हो जाएगा नानी कुरोदा साहब ये दिवाली मनाते हैं हाँ और तुम फ्रांसुआ उलालालू को पहचानते हो हाँ और उलालालू जी भी दिवाली मनाते हैं बिल्कुल काम खत्म करो तुम और पिंग टोंग पहाड़ बिल्कुल पिछले महीने ही मिले थे वो भी दिवाली मनाते हैं कितना झूठ बोलती हो तुम नानी कितना झूठ बोलती हो तुम पिंग टोंग पहाड़ कोई है ही नहीं झूठी झूठे समाज की प्रेसिडेंट सुपर डिलक्स झूठी हो तुम हेलो हाय करण हाँ वो लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है हाँ दैट्स वेरी क्रूशियल आप चिंता मत कीजिए वो तो मैंने कब का सॉल्व कर दिया है हाँ जरूर कल हाँ कल मिलके बता दूंगा ओके ओके बाय और सुपर डिलक्स झूठी मैं हूँ
गोखले यार दिमाग काम नहीं कर रहा है। अच्छा लिखने का मूड नहीं है तो मेरा कुछ काम करो। गुड आइडिया नानी, चलो बेडरूम में चले। सिट, सुनो। सुनाओ। सनी प्लीज एक लिस्ट बनाओ, हमारी शादी में किस किस को बुलाना है, मैं कब से पूछ रही हूँ तुम्हें। नहीं नहीं नानी, बोर मत कर यार, दिमाग काम कर रहा है। ये मुझसे नहीं होने वाला नानी। लिस्ट? गोखले, सनी फिर से नहीं आया। फोन करिए उसको। गोखले, हेलो गोखले, मैं बहुत बीमार, सांस नहीं ले सकता, हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, जॉन्डिस, मलेरिया, टीबी, एसटीडी, आईएसटी सब कुछ हो गया, कांड कम हो गया, मैं बाय। सनी, मुझे मेरी जरूरत है यार, छोड़ो ना। हाँ तुम बोलो, ये शादी वादी करना जरूरी है क्या? हाँ क्यों अपनी लाइफ को ये चर्च और पंडित वंडित से कॉम्प्लिकेट करें यार? क्योंकि यही कॉम्प्लिकेशन पूरी दुनिया का रिवाज है, सिंपल। अरे चोचले बाजी है सब, सब बकवास है ये रीति रिवाज। मैं बताऊं तुमको मेरे पास कितने लेटर्स आते हैं रोज डेली शादीशुदा लोगों के? एक जन्म सौ जन्म लगे, अरे कैसी है ये बात। क्या इसीलिए शादी को कहते हैं जन्म जन्म का साथ? हाँ गुरु जी। हाँ नानी। तुम्हें शादी करनी है तो फिर हाँ बोलने से पहले रुके? नहीं तो रुके थे। नहीं नानी, मैं झूठ मत बोलो सनी। अरे नहीं नानी, मुझे मालूम है ना, मैं सच बोल रहा हूँ यार। वो झूठ बोल रहा है, हर चीज की कोई हद होती है। पिछले दो हफ्तों से वो खांसता ही जा रहा है। यस मैम। क्या यस? उसके लीव रिकॉर्ड्स लेकर आइए। हे हाउ स्वीट, तुम्हारे कजन राजीव ने मुझे थैंक यू कार्ड भेजा है, उसे नौकरी मिल गई। नौकरी? कैसी नौकरी? मेरी फ्रेंड सुचित्रा है ना, वो एक कॉल सेंटर मैनेज करती है वहीं पर। अच्छा हुआ ना। क्यों यार, क्या पड़ी है तुम्हें किसी को नौकरी दिलाने की? अगर उसे नौकरी चाहिए थी तो वो जाता अपने डैडी के पास या अपने किसी हाई फाई रिश्तेदार के पास। ज्ञान गुरु जी, आप कॉफी पियेंगे? हाँ बनाओ, पियूंगा। जब मुझे मदद की जरूरत थी तब कोई था? कोई था नानी? तब सब भाग गए थे। मैंने तो सिर्फ एक इंटरव्यू दिलाया, नौकरी उसे अपने दम पे मिली। राजीव बहुत ही अच्छा लड़का है। हाँ जरूर नानी, तुम्हें तो सभी अच्छे लगते हैं, बस थोड़ा सा कोई मुस्कुरा के कह दे जेनी जी मेरी मदद कर दीजिए तो शुरू। तारा सिंह की बहन जेनी जमीन आसमान ही करने को तैयार। सनी किसी की मदद करने में क्या बुराई है, मुझे तो ठीक लगा। ठीक लगा? ठीक लगा नानी यार, ये तो ऐसी बात हुई जैसे कोई बकरी कसाई की दुकान के सामने खड़े रह के बोले ये दुकान मुझे ठीक लग रही है, आज मैं शॉपिंग इधर ही करूंगी। तो मैं क्या करूँ, ना बोलू? हाँ नानी ना बोलो, जीनियस। ना, नो, नहीं, रिपीट आफ्टर मी, मेरे साथ बोलो, ना, नहीं, नो। नानी, बेडरूम चले? नो सनी। देखा ऐसे, फैंटास्टिक नानी, ब्रिलियंट। फोन, सनी फोन। ए नानी नानी, मैं मजाक नहीं कर रहा यार, नानी ऐसे सीरियसली यार, ए बेडरूम चले। शट अप सनी। नानी 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 चलना। सनी। नानी यार। हेलो, डैड, हाउ आर यू? हाँ। इस वक्त वो बाहर गए हुए हैं। हाँ इंटरव्यू शाम को। सनी कॉफी। क्या 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 कहा उन्होंने? डैड पूछ रहे थे कि क्या कल वो हमारे साथ गाड़ी में आ सकते हैं या नहीं। और मैंने हाँ कहा, और क्या? नहीं यार नानी, नहीं नहीं नहीं, अभी मैंने तुमको क्या सिखाया, फिर तुमने हाँ कहा, उनको कॉल करो और मना कर दो। नानी कोई बहाना बनाओ यार। बहाना बनाना था तो तुम्हें फोन लेना चाहिए था सनी। मुझे थोड़ी मालूम था किसका फोन है। तुम्हें तो सब मालूम है ना सनी। शाबाश नानी, थैंक यू, बस इसी की कमी थी। I'm hungry यार, यहाँ कोई पिज्जा का स्पेशल ऑफर था। ए सनी,
तुम अपने डैड के साथ खुलकर बात क्यों नहीं करते यार? क्यों? कौन है वो? सनी, कम से कम अपने डैड के बारे में, वो तुमसे कितना प्यार करते हैं। अरे व्हाट प्यार, कौन सा प्यार, कैसा प्यार, किसका प्यार, छोड़ो यार, कहाँ से जाग उठा ये प्यार? ज्ञान गुरु है तो प्यार है, खरन जोर है तो प्यार है। हाँ, इसीलिए सब लोग तुमसे प्यार करते हैं। हाँ, मैं भी। हाँ नहीं, तुम ही तो हो। और अंजू? हाँ तुम और अंजू, बस तुम दोनों ही तो हो। और डैड? कब से जानती हो तुम मेरे डैड को? 3 साल से, बट वो तुमसे बहुत प्यार करता है। 28 साल, 28 years नानी, उनके लिए तो बस वही सही है जो उन्हें सही लगता है, बाकी सारी दुनिया तो बेवकूफ है ना। चलो कम से कम इस एक चीज में तो बेटा बाप पे गया है। बकवास जोक नानी, बहुत ही अनफनी। हे सनी सनी, लेकिन ये जोक बहुत अच्छा है, सुनिए। ज्ञान गुरु का लेटेस्ट ज्ञान, उन्होंने फरमाया है, अविनाश अगर तुम्हारे घर में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो घर छोड़ना सही हल नहीं है। परिवार में झगड़े तो होते ही रहते हैं, तुम्हें उन्हें छोड़कर चले तो जाओगे, लेकिन उनसे दूर कभी खुश नहीं रहोगे, क्योंकि मुश्किलों में हमारा परिवार ही हमारे काम आता है। यू हिपोक्रेट, दूसरों को तो ज्ञान देते हो, खुद भी फॉलो किया करो। जो हम बेचते हैं वो हम खरीदते नहीं नानी। बहुत ही थर्ड क्लास फिलॉसफी है सर। यही जिंदगी है नानी, यही जिंदगी है। और अगर सोचो कि कोई आ गया जो तुम्हें तुम्हारा ज्ञान खरीदने पर मजबूर कर दे। मुझे बेचेगा मेरा ज्ञान? नानी इस धरती पर तो ऐसा कोई नहीं है। आप अपने भगवान जी से क्यों नहीं कहते कि वो ऊपर से किसी को भेज दे? Happy Diwali. कहिए सर, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? Wow, आप लोग ये सब चीज बनाते हैं? पिज़्ज़ा, लार्ज, स्मॉल, मीडियम, पाइनएप्पल। आज दिवाली के मौके पर सर? ब्राउन ब्रेड, अनियन ब्रेड, गार्लिक ब्रेड। मेरी बीवी रमा हमेशा कहती है कि आखिर में सब कुछ रोटी सब्जी तो है, जैसे कि मसाला डोसा, रोटी सब्जी लेकिन डिफरेंट। आपके पास मसाला डोसा है? सर मसाला डोसा? सॉरी सर, हमारे यहाँ सिर्फ पिज्जा है सर। पिज्जा, जैसे कि वेजिटेबल सैंडविच, रोटी सब्जी लेकिन डिफरेंट। आपके पास वेजिटेबल सैंडविच है? नो सर, हमारे यहाँ सिर्फ इटालियन खाना बनता है, जो लोग इटली में खाते हैं। इटली के लोग वेजिटेबल सैंडविच नहीं खाते? जी जरूर खाते हैं सर, लेकिन हम लोग नहीं बेचते। I'm so sorry. आपको क्या चाहिए सर? मुझे तो काम चाहिए। सॉरी सर? वो आपके मैनेजर मिस्टर होजे है ना, उनसे मिलना है, डिपी अंकल ने भेजा है। ओह सो सॉरी सर, वो तो आज जल्दी चले गए, आप कल आइए। लेकिन डिपी अंकल ने कहा। एक्सक्यूज मी सर। हेलो मामीज पिज्जा। यस, न्यू एड्रेस? ओके थैंक यू। वन लार्ज सुपर स्पेशल टू गो। थैंक्स आसाम। जादू का तड़का, खुशी का मसाला, हंसी की छौंका, खुशी का मसाला, हंसी की छौंकर, थोड़ा प्यार डाला, सॉस में मिलाया, ब्रेड पे लगाया, चीज़ से सजाया, अब मैं पकाया, और हुआ तैयार। ये पिज़्ज़ा, वो पिज़्ज़ा, जो पेट क्या दिल भर दे। ये पिज़्ज़ा, वो पिज़्ज़ा, जो पेट क्या दिल भर दे।
रमा को दे दे। डोंट वरी, कल तक हो जाएगा। टिप्पी अंकल, दो दिन के बाद तो दिवाली है। अगर 6 दिन में दुनिया बन सकती है तो 2 दिन में कुछ भी हो सकता है। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा दिवाली से पहले। गुनगुनाने क्यों गला फाड़ के चिल्ला रहा है? कौन मर गया रावलपिंडी में? तेरा बाप मर गया। सुन सुन, किसका है ये? 202 202 का? हाँ ठीक है, चल 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 चल। हाँ हाँ, जरूर तेरा गाना सुन के मर गया होगा। कुल्टा की करतूत। हाँ कैंडीज, हाँ मैं 201 रोजा वेला से बोल रहा हूँ। वो ऑर्डर दिया था, कैंसिल कर देना। अरे था कोई रोल फॉल यार। हैप्पी दिवाली सर, आपका पिज्जा। थैंक यू सर। बिल सर, 265 रुपीस। बिल? कैसा बिल? पिज्जा का बिल। अरे लेकिन तुम तो 5 मिनट लेट आए हो यार, और तुम लोग का ही तो रूल है ओ, क्या 30 मिनट के अंदर डिलीवरी तो बिल, 30 मिनट के बाहर तो फ्री। तो फ्री ना? नहीं सर, 2 मिनट है अभी। सुनो ट्रेनी, ट्रेनी क्या नाम है तुम्हारा? पुंदरी काको पूरा कास्ट सर। पूर्णपुर क्या? पुंदोरी काखो पूरा कास्तो। पुरो पुरी क्या? पुंदोरी काखो पूरा कास्तो। हाँ जरूर। तुम्हें पता है ये क्या? घड़ी सर। ये सिर्फ घड़ी नहीं है पुंडू, ओमेगा है। और ओमेगा कौन पहनता है? कौन सर? जेम्स बॉन्ड यार। और बॉन्ड के पास हमेशा चंद सेकंड होते हैं सारी दुनिया को बचाने के लिए। अगर बॉन्ड की घड़ी एक सेकंड भी लेट होगी ना तो सारी दुनिया खत्म, खलास, फिनिश। पुंडू तुम्हें क्या लगता है बॉन्ड भैया गलत टाइम दिखाने वाली घड़ी पहनकर सारी दुनिया को खत्म होने देंगे? नहीं पुंडू नहीं। अगर तुम 5 मिनट लेट नहीं हो, अगर तुम 5 मिनट लेट नहीं हो तो हम तुम जिंदा कैसे हैं यार? हाँ लेकिन सर मैं पुंडू, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? नहीं सर। क्या बकरा? ओ एक सेकंड। ज्ञान गुरु, मैंने तो आपको लिखा था अपने पस भरे मुहासे के बारे में। हाँ याद है। तो अब बताओ पुंडू, मैं सिर्फ 265 रुपए के लिए झूठ बोलूंगा? सनी तुम हर बार ऐसे ही करते हो। ए नेशनल वरी थैंक्स। एक बार भी नहीं पहनी यार, 1800 रुपए के लिए झूठ थोड़ी बोलूंगा। अरे कल ही तो पैसे दिया था आपको, सिर्फ 100 रुपए के लिए झूठ थोड़ी बोलूंगा। सनी उसके पैसे लौटा। ननी बेल, सनी पांडे जी प्लीज दरवाजा खोलो, मैं चेंज करके आती हूँ। अरे यार करण, हाय करण। हाँ नहीं बस आप ही का काम चल रहा था। हाँ एकदम फ्रेश माइंड लेकर या नहीं, वो प्रॉब्लम तो मैं कब का सॉल्व कर चुका हूँ। हाँ या पांडे जी इट्स ओके, आप मेरा पिज्जा खा सकते हैं। हाँ करण, हाँ 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 नहीं या ओके।
कल शाम बाय सनी नो शाम दोपहर नो शाम दोपहर नो शाम दोपहर पानी जी आप मेरे घर क्या मुझे लगा सब बोल रहे थे मैं भी बोल दूं पांडे जी आप मेरे घर में क्या कर रहे हैं यार ये एक्स्ट्रा चीज वाला नहीं मंगा सकते हो तुम माफ कीजिए पांडे जी हमसे गलती हो गई अगली बार आपकी पसंद जाने बगैर हम पिज्जा तो क्या टूथपेस्ट भी नहीं मंगाएंगे ठीक है पांडे जी आप मेरे घर में क्या कर रहे हैं अरे वो रावलपिंडी में मर गया ना फिर से कोई तो पहले बोलना चाहिए था ना यार रेडी पांडे जी अब थोड़ी देर में मस्ती शुरू लेकिन आज ज्यादा देर नहीं बाकी है क्योंकि आज मुझे इंटरव्यू के लिए क्या चॉकलेट पेंसिल में ही भविष्य है आजकल के जो बच्चे होते हैं वो पढ़ाई के टेंशन में नाखून चबाते हैं मैं कहता हूँ उनके हाथ में चॉकलेट पेंसिल दे देनी चाहिए ताकि वो नाखून चबाने के बजाय चॉकलेट पेंसिल चबाए एग्जाम में उनका पेपर सॉल्व होना हो 10-15 पेंसिल तो चबाई जाएंगे है नहीं है? तो आप मेरा पिज्जा छोड़ के चॉकलेट पेंसिल क्यों नहीं चबाते वेरी गुड जोक लेकिन ये जोक का टाइम नहीं है मैंने सब सोच के रखा हुआ है पैसे मैं इकट्ठे करूंगा और मार्केटिंग तुम करना एड तुम बनाना मैंने एड का आइडिया सोच लिया वैसे बहुत बड़ा स्कूल है बहुत सारे बच्चे हैं बैठ के नाखून चबा रहे हैं और कैमरा स्टॉप स्टॉप प्लीज पांडे जी मुझे माफ कर दीजिए मुझ पर रहम खाइए देखिए मैं आपके इन ब्रिलियंट बिजनेस आइडियाज के काबिल ही नहीं हूँ नहीं नहीं, नहीं नहीं मैं लायक ही नहीं हूँ मेरा इतना GMD यही नहीं अच्छा मेरे पास आपके लिए एक ही सलाह एक लड़की कोई भी कैसी भी लड़की चलेगी एक लड़की ढूंढ लाइए पांडे जी आपकी और मेरी सारी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तुम जानते हो ना मैं ब्रह्मचारी आदमी हूं पांडे जी आप पिज्जा खाइए मेरा है लेकिन खाइए आप खाइए ये घर और उसके अंदर की सारी चीजें भी मेरी है लेकिन कोई बात नहीं ये टीवी भी मेरा है हाँ, लेकिन ये चॉकलेट पेंसिल का आइडिया मेरा एक नानी क्या कर रही हो यार तुम एक मिनट पांडे जी नानी क्या कर रही हो यार पागल हो गई सनी ये ठीक नहीं है मजाक एक हद तक होता है उसके बाद आदत बन जाती है नानी मेरे साथ होता है तब यम 80 रुपया अरे कनेक्शन ठीक से लगा भी नहीं लेकिन बिल में तो है ना सर क्या सर 5 रुपया छुट्टा नहीं है मेरे पास क्या कुछ भी आसानी सनी एकदम ठीक कह रहा है वो भयानक अंडे वाला नमस्ते ये आपके 12 में से 7 अंडे तो सड़े में तो मैं क्या करूं जाकर मुर्गी से बोलो ना यम इट हैज बिकम अ टाइम ऑफ क्लैपडाउन क्या ट्रस्ट मी नानी मुझे मालूम है कैसे भाई कैसे मतलब अरे कमाल है नानी मैं यार ज्ञान गुरु हर चीज मालूम करना मेरा काम है ये टाइम्स ऑफ हिंदुस्तान पेपर बिकता है मेरे कॉलम की वजह से टाइम्स ऑफ हिंदुस्तान कौन पढ़ता है थैंक यू पांडे जी थैंक यू आप और एक पीस पिज्जा खाइए किसी के बस भरे मुहासे से लेकर उनके नाम तक किसी की गर्लफ्रेंड से लेकर उसकी बीवी तक हर चीज के ज्ञान के लिए लोग मेरे पास आते हैं क्यों क्योंकि क्या गलत है और क्या सही मुझे सब मालूम है यस इसे सब मालूम है और सबूत के तौर पर 1, 2, 3, 4 घंटे Thank you. पांडे जी, ready? नमस्कार सनी जी. नमस्कार गुरुनानी जी. नमस्कार कदावती जी. हम आपके किसी कार्यों में बाधा तो नहीं पहुंचा रहे हैं? कदापि नहीं गुरुनानी जी. बल्कि आपसे इस प्रकार भेंट करने में हमें बड़ा ही आनंद प्राप्त होता है. बताइए हमारे लिए कोई आ गया सनी जी फिर से आपके शौचालय से जल टपकने लगा है हम हमारे संगीत के रियाज में मग्न थे और 2 बूंदें हमारे कपाल के अग्र भाग में टपकी और यहाँ मस्तक से रोल होकर नीचे गिरी गॉड आई एम सो सॉरी मैं क्षण में आया जी वाकई गुनगुनानी जी मैं सचमुच बहुत शर्मिंदा हूँ अरे सनी इससे माफी मत मांग इसका मुंह तोड़ दे ताकि दोबारा गा ना सके ये इसे खुला छोड़ा है
क्षमा कीजिए, वो पागल हैं। इसे साकल में बांध के रखना चाहिए। कुंभकर्णी जी, इन्हें छोड़िए। कुंभकर्णी जी, हमने हमारे शौचालय का नल कई बार बदला। अच्छा? हाँ, लेकिन मुझे लगता है आपके कंठ में कुछ तो जादू है। सच? हाँ। आपको ऐसा लगता है? गुनगुनाने जी, यहाँ नहीं, प्लीज। नहीं, आप जब रियाज करते हैं, हमारे शौचालय का नल मचल उठता है और मचल मचल कर उसमें से अपने आप जल बहने लगता है, मानो जैसे स्वयं ईश्वर अपने हाथों से नल खोल दिया। और बूंदे भी मस्तक पे ही गिरती हैं, जैसे देव आशीष दे रहे हो। सच? सच, ये तो चमत्कार हुआ। पुराने जमाने में जब तानसेन जी गाते थे ना, तब वाकई में वर्षा होती थी। नहीं, सत्य कह रहे हैं आप? हाँ हाँ, संगीत में अद्भुत शक्ति है, उसमें वर्षा होती है। हाँ, होती है, तेरे संगीत से मेरे चश्मों से वर्षा होती है। चुप रह कमज़र्फ, तू क्या जाने, राग अफगानी लोहार का शुद्ध प्रकार है। अरे चल चल, अगर ये राग अफगानी लोहार है तो मैं जापानी राजा हूँ और सनी अफ्रीकी गुरिल्ला। चुप बैठ मूर्ख, तुझ जैसे बदजौक को तो सड़क पे नंगा करके कोड़े मारने चाहिए। और तुझ जैसे सड़े हुए बेसुरे अंडे को उल्टा लटका कर डंडे मार मार के संगीत सिखाना चाहिए। लड़ना झगड़ना क्या आप दोनों को शोभा देता है? गुनगुनानी जी, आप प्लीज जाकर रियाज कीजिए। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। और आप भी प्लीज। पांडे जी, ब्रह्मचारी छोड़िए, लड़की ढूंढिए लड़की। अरे चेहरा देखा तुमने उसका? देव उसे आशीष देते हैं टॉयलेट के पानी से। कमाल का पीस है यार। सानी, तुम बच्चे हो क्या? नहीं। सबूत चाहिए? जी नहीं, आप इंटरव्यू के लिए लेट हो रहे हो। लेट्स सी, डैड इंटरव्यू। इंटरव्यू लेकिन नानी, नाइट नो कंट्रोल। आज रात को मैं आंट थेल्मा के यहाँ। अरे क्या बात कर रही हो यार तुम नानी, व्हाट इज दिस? अभी नहीं, रात को नहीं, ये सब तो शादी के बाद होता है ना। तो अभी से प्रैक्टिस करते हैं ना। क्या बक रही हो तुम नानी। तो अभी मौका है, शादी करनी है। हाँ देखा, तुम फिर से रुके। नहीं तो रुके थे। नो, ladies and gentlemen, welcome to another live edition of Hot Seat with Hitesh. Hot Seat with Hitesh में आप सबका स्वागत है। thank you so much. आज आप लोगों के सामने दो मेहमान मौजूद हैं। पहली वो जो बड़ी समस्या खड़ी करती है, खास तौर पर हम मर्दों के लिए। खास तौर पर हम मर्दों के लिए। और दूसरे वो हैं जिनके पास हर समस्या का समाधान है। लेडीज एंड जेंटलमैन, पेश है हमारी पहली गेस्ट की कुछ झलकियां। नहीं, तुम मेरा जिस्म ले सकते हो, लेकिन मेरा दिल नहीं। मुझे तुम्हारा दिल नहीं चाहिए। छोड़ दो मुझे, तुम मेरा जिस्म ले सकते हो, लेकिन मेरा दिल नहीं। अरे तुम्हारा दिल नहीं चाहिए यार। तुम मेरा जिस्म ले सकते हो, लेकिन मेरा दिल नहीं। चुप, एक बात अपने दिमाग में उतार लेना, मुझे तुम्हारा दिल नहीं चाहिए। ओके? मिस माया, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। Welcome. Please, please, please sit down. Well, Maya ji,
आप बहुत 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 खूबसूरत लग रही हैं। You've been a mystery for all of us. सब लोग आपके बारे में इतना सब कुछ जानना चाहते हैं। कमाल की फिल्में आपने की हैं, रीजनल फिल्में भी, और हिंदी तो आप कमाल का बोलती हैं। आप साउथ इंडिया से हैं ना? साउथ इंडिया हो या नॉर्थ इंडिया, सबसे पहले मैं इंडियन हूँ। एक्चुअली मैं कनाडा से हूँ। नो। यस। मैं एक साल की थी जब मैं मुंबई आई। सर आप आगे सर। बहुत देर से आए हैं क्या सर? नहीं नहीं अभी। ओह आई एम सो सॉरी सर। ओह लेट मी इंट्रोड्यूस माइसेल्फ सर। आई एम मिस्टर बोल्टू सर। बोल्टू सर। स्मार्ट। एक्सक्यूज मी सर। इडियट, तूने बताया क्यों नहीं कि सर अब आ गए हैं? नहीं नहीं नो नो सर, पेन सर। सॉरी सर। आई सर। आई सर। And I was only 13 years old when I signed my first movie, South Indian movie, Vijay sir ke saath. Fantastic dance sequence, super duper hit, first film. आइए सर, आइए सर। ऋतिक आ गया? नहीं आइए सर। क्या? वो सर दरअसल क्या हुआ कि ऋतिक नहीं है। एक्चुअली ऋतिक सर आज लास्ट मिनट में शूटिंग आ गई उनकी, तो इसलिए, लेकिन मिस माया को आज बुलाया है गेस्ट के लिए सर। आई एम वेरी सॉरी सर, ये लास्ट मिनट हुआ। कौन? सर प्लीज सर, प्लीज गुस्सा मत होइएगा सर। आई एम सॉरी, इट वॉज नॉट माई डिसीजन सर। यस सर। यस सर, आई एम सॉरी। दी मिस माया? यस सर। क्लीवेज कुमारी मिस माया फ्रॉम साउथ? यस सर। तंडोले मेरा मंडोले, कुकु कुकु दिल बोले, तंडोले मेरा मंडोले, कुकु कुकु दिल बोले। अरे तुम्हें रिएक्शन याद नहीं है क्या? ऐसा है कुकु कुकु दिल बोले, इधर माया है, माया है, माया है। तंडोले मेरा मंडोले, कुकु कुकु। बकवास पिक्चर थी यार, लेकिन मिस माया बहुत, मिस माया। एक बात बता। हाँ? अगर तेरे पास सिर्फ एक चॉइस हो, सिर्फ एक, तो जोन आगे मत बोल, एक चॉइस कौन मिस माया, I love you मिस माया। आइए सर, आप यहाँ रिलैक्स कीजिए, मैं आपको बुलवाता हूँ सर। थैंक यू। बोल टू सर। मिस्टर बोल टू। थैंक यू सर। गंदा है? नहीं गंदा है। एक मिनट सर। स्पॉट फ्लोर साफ करो सर। वी आर रेडी। कम तुझे क्या मालूम? मुझे सब मालूम है। पूछ। छाती 38 डी का। कमर 32 सी 34 गाड़ी शोगन। शहर हैज टू बी लंदन। पहली बिकिनी फिल्म सी क्वीन। पहला टॉपलेस कभी नहीं, लेकिन गुड गर्ल फिल्म में एक शॉट में थोड़ा सा दिखा था। मैंने बार बार रिवाइंड करके देखा। मर्द लंबे, सेंस ऑफ ह्यूमर जरूरी है। और हाँ, जब वो मर्द पसंद है तो ऊपर के दो बटन खुला छोड़ते हैं। सच? ट्रस्ट मी, मुझे मालूम। सर गर्मी बहुत है ना। सॉरी। एसी ऑन करो। आइए सर। माया जी थैंक यू सो मच। उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द आप हिंदी फिल्मों में भी जरूर दिखाई देंगी। थैंक यू। आप मुझे स्क्रिप्ट दीजिए, मैं तैयार हूं। देखिए स्क्रिप्ट का तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन एक राइटर मैं आपको जरूर दे सकता हूं। वेल लेडीज एंड जेंटलमैन, गेट योर हैंड्स टुगेदर टू द वन एंड ओनली ज्ञान गुरु सनी चोपड़ा।
Thank you, Sunny, for being on the show. Thank you. Maya? Hi. Maya. Maya. Hero Mithun, film Kasam Paida Karne Wali. Favorite song? Jina Bhikya Hai Jina. सबसे पहले आपको मुबारकबाद देना चाहूंगा. क्यों? अरे आपकी शादी के लिए. धोखेबाज, तुमने मेरा दिल तोड़ा. You ungrateful dog. सनी, सनी, सनी. भाई सुना है कि करण जौहर की जो अगली स्क्रिप्ट है वो आप ही लिख रहे हैं. भाई ये सब लोग जानना चाहेंगे कि किस तरह की कहानी है. कुछ कुछ बताइए ना कहानी के बारे में. उसे सीरियस मॉडर्न मिस्ट्रीज पसंद है. यू नो फिल्म नोआर. सनी सनी कहानी. देखिए कहानी के बारे में तो मैं इस वक्त ज्यादा नहीं बता सकता, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि एक अलग सी मिस्ट्री जिसमें एक औरत मेन कैरेक्टर हो. एक औरत जो सेंट्रल कैरेक्टर है और एक शादीशुदा आदमी उसके प्यार में फंस जाता है और उसके जाल में एक शादीशुदा आदमी फंस जाता है और उस औरत की बदलती हुई पर्सनैलिटी पे आधारित है कहानी. यानी पति पत्नी और वो माया जी, अक्सर देखा गया है कि शादी के बाद पति पत्नी से ज्यादा वो को चाहता है और कई जगहों पर तो देखा गया है कि बहुत सारी वो होती है. तो ये वो का क्या चक्कर है? वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने शादी के बारे में अभी नहीं सोचा है क्योंकि मुझे अपनी आजादी बहुत प्यारी है. इंटरेस्टिंग. शादी आजादी. आपके ये कहने का मतलब है कि अक्सर मर्दों को लगता है कि शादी के बाद उनकी आजादी खत्म हो जाएगी. ऐसा क्यों लगता है आपको? पहला, मेरे हिसाब से देखिए, जैसे ही कोई शादी कर लेता है वो जिंदगी एक ही औरत के हवाले कर देता है. उसकी जिम्मेदारी बढ़ती है, उसके सर पे आ चढ़ती है, उसकी सामाजिक जिंदगी शून्य हो जाती है, उसकी मर्जी पाप, पत्नी की मर्जी पुण्य हो जाती है. वो अकेले कोई फैसला नहीं कर सकता, न चैन से जी सकता, न शांति से मर सकता. और सबसे गंभीर बात, जिससे सब मर्द डरते हैं, शादी के बाद जैसे उनकी हस्ती नहीं रहती, बाकी औरतों को उनमें कोई दिलचस्पी नहीं रहती. हनी, हनी, भाई शादी के मामले में आप तो एक्सपर्ट हैं, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? शादी के मामले में तुम फिर से रुके. I think शादी जो है वो एक तन से ज्यादा तन से ज्यादा हेलो मिलन है. मैडम अंजू, तुम अभी तक सोए नहीं? चार सोचने का तरीका. यस अंजू, हम आ रहे हैं. हां सनी भैया ऑफ कोर्स आ रहे हैं. इंटरेस्टिंग. अंजू नो नो नो, टेल मी फर्स्ट, तुम्हें दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है? तुम. आई लव यू टू. गुड नाइट. बाय. हैप्पी. चलो जल्दी से प्रेस कर लो. मम्मी दिवाली और क्रिसमस में क्या फर्क है? नथिंग बेटा, दोनों एक जैसे. तो दिवाली में सेंटा आते हैं? जरूर आएंगे, अगर उनके पास टाइम होता है तो वो जरूर आते हैं. मैं बुलाऊंगी तो आएंगे मेरे लिए प्रेजेंट्स लेकर? क्या मांगा? गुड नाइट डार्लिंग. नैंसी, मेरा अलार्म क्लॉक कहाँ है? मैंने आपको खामखा तकलीफ दी? नो 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 प्रॉब्लम, मेरे घर से सिर्फ 5 मिनट दूर है. आपको देख के मुझे मिथुन चक्रवर्ती की बहुत याद आती है. वो मेरे गुरु है, माय हीरो. नहीं सच?
जीना भी क्या है जीना तेरे आंखों के बिना, जीना भी क्या है जीना तेरी बाहों के बिना। कोई शक? तुम्हारी हाइट क्या है? 5'11" मेरी पिक्चर में एक डायलॉग था, 5 फुट को छोड़ो 11.5 इंच की बात करते हैं। प्रॉब्लम? तुम्हें कैसे पता? मेरी भी फेवरेट है। लेकिन वो तो लड़कियों का परफ्यूम। नहीं, मतलब लड़कियों पर मेरी फेवरेट खुशबू है। खुशबू है क्या? आई मीन अंधा है क्या? पागल। अरे साहब फौरन गाड़ी है, आप टैक्सी ले लो ना। क्या भी क्या है नानी, माया के बहू के बिना। आप है? नमस्कार। नमस्कार सनी जी, नमस्कार। नमस्कार कलावती जी। कलावती को एक छोटा सा सवाल आपके लिए। आपको लगता है कि मेरे गाने से बारिश हो सकती है, यानी मेरे कंठ में वो अद्भुत शक्ति है? 100% नहीं, 120% है गुनगुनानी जी। है अद्भुत शक्ति तो है ही। गली चला जाता हूँ, सारी म्यूजिक कंपनियों में गली चला जाता हूँ। परसों दिवाली है ना, सब कुछ बंद हो जाएगा। हाँ जरूर बंद हो जाएगा, लेकिन आपको पूरा यकीन है ना गुनगुनानी जी? यू आर द बेस्ट, द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। आप तो कलयुग के तानसेन हैं। तानसेन को छोड़िए जी, आप तो मोहम्मद रफी से भी अच्छा गाते हैं। आहा, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। शुभरात्रि सनी जी। शुभरात्रि, शुभरात्रि। चल कला। अरे घर घर तुम चल। अरे नानी, तुम्हें टीवी पे देखा आज, तबीयत काफी अच्छी लग रही थी तुम्हारी। तुम टीवी पे आ सकते हो तो कल काम पे भी आ ही सकते हो। आ जाना। आ जाना, मजाक है? ये मजाक नहीं है सनी, आई एम वेरी सीरियस। सनी थिंक थिंक, क्यों क्या कारण है? ज्ञान गुरु हाँ? आया है। तो तुम क्या ज्ञान देते हो? बस ऐसे ही वो फैमिली, प्यार, अफेयर वगैरह 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 वगैरह। प्यार अफेयर? Interesting.
हम भी तो सुने जैसे कि अगर मुझे एक लड़की से प्यार है लेकिन मैं बीवी को कैसे बताऊं टाइप्स तो तुम शादीशुदा हो नो 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 शादी नो शुदा गर्लफ्रेंड मंगेतर नो व्हाट तुम जैसे हैंडसम लड़कियां तो मरती होंगी तुम पर नहीं नहीं अब हाँ मरती हैं लेकिन मैं इंतजार कर रहा हूँ उसका जिसे तकदीर ने मेरे लिए तैयार किया अच्छा और तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे लिए तकदीर ने किसको चुना है आई डोंट नो नो लेकिन कहते हैं ना माया जी के जिंदगी में वही मिलता है जो मिलना चाहिए पांडे जी हाउ डू 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 सनी आई डू 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 मैं ठीक हूं एकदम रसगुल्ले मामा जी लेके आए हैं कलकत्ता से मामा जी और मेरे फ्रिज में इसीलिए क्योंकि मेरा तो फ्रिज खराब है तुम्हें तो मालूम है ठंडा करता नहीं है तो रसगुल्ले तो ठंडे होने चाहिए ना हाँ हाँ ज्ञान के लिए बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू गुड बाय गुड नाइट धन्यवाद ओके सनी हाँ असल में मेरे दिमाग में एक आइडिया आया पांडे जी आप मेरी बात नहीं सुन रहे पांडे जी देखिए मुझे आज बहुत काम करना है सुनो मेरे मामा जी से मेरी मुलाकात हुई आज पांडे जी मामा जी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम फिल्म प्रोड्यूसिंग इसी में भविष्य है सनी फिल्म प्रोड्यूसिंग हाँ वो चॉकलेट पेंसिल्स का क्या हुआ वो नाखून चबाते हुए बच्चे वो प्लान वो रिसर्च वो नहीं 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 वो सब बहुत रिस्की काम है बहुत ज्यादा रिस्की अच्छा और फिल्म प्रोड्यूसिंग रिस्की नहीं है नहीं नहीं अपेरेंटली नहीं है देखो क्या है मेरे मामा जी ने एक फिल्म बनाई शमशान में सुहागरात एंड वो क्या शमशान में सुहागरात तो मैंने ठीक सुना था बस इसी की कमी थी चलिए आप कर चलिए अरे नहीं सुनो मेरी बात पांडे जी मुझे बहुत परफेक्ट आइडिया है यार लव स्टोरी हॉरर का बैकड्रॉप तुम लिखना मैं प्रोड्यूस करूंगा पैसे ही पांडे जी मेरे प्यारे पांडे जी मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए आपको शमशान में सुहागरात बनाने की जरूरत नहीं है शमशान जाने से पहले सुहागरात मनाने की जरूरत है यार सनी मैं ब्रह्मचारी आदमी हूँ यार पांडे जी मेरे दोस्त मेरी बात गौर से सुनो हाँ बोलो ना चांद आसमान में होता है हाँ होता है पानी पानी गीला होता है हाँ हाँ होता है आदमी को औरत की जरूरत होती है हाय एक मिनट तुम मुझे भगाने की कोशिश कर रहे हो कोशिश नहीं नहीं पांडे जी कर जाइए सनी हाँ चॉकलेट पेंसिल मुर्दाबाद फिल्म प्रोड्यूसिंग जिंदाबाद चुप रावलपिंडी पांडे जी थैंक यू पांडे जी आई डू 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 हेलो हाय सनी सनी Hey Maya, I just Sunny. Oh, Sunny, मैं आवाज नहीं पहचान पाई. Sorry वो मैं कुछ मीठा कह रहा था. इतनी रात गए? तुम सचमुच मिठाई के इतने शौकीन हो? मैं आपसे क्या छुपाना? Sorry, मैं इतनी रात को फोन कर रही हूँ. No problem. तुम्हें thank you कहना था.
बस रियली तुमने मुझे लिफ्ट दी, मेरी मदद की, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आपकी मदद कैसे नहीं करता, आपके पास गाड़ी नहीं थी और मेरे घर से 5 मिनट ही तो है। क्या है ना, आजकल बिना मतलब कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता। हाँ लेकिन तुम ऐसे नहीं हो। तो हम लोग कल मिल रहे हैं गाजर के हलवे के लिए। ऑफ कोर्स, मैं कभी किसी चैलेंज से पीछे नहीं हटा, खासकर गाजर के हलवे के। लेकिन सनी, मैं हैरान हूँ कि हमारी पसंद कितनी मिलती है। What a coincidence! तुमने कभी सोचा था मेरी फेवरेट मिठाई भी गाजर का हलवा होगी? गाजर का हलवा? किशमिश? कभी नहीं। मैं कभी भी नहीं सोच सकती थी कि तुम खाना बना सकते हो, और वो भी गाजर का हलवा। वैसे मैं और भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। जैसे? जैसे टोस्ट, जैम, बटर। अच्छा सनी, तो फिर कल मिलते हैं, मुझे अपना एड्रेस SMS कर देना। हेलो मुरली, मार्च में मेरी सारी डेट्स फ्री रखना। क्या फ्री है? लेकिन किसी को भी मत देना। एक मिनट मुरली, तू? गुड इवनिंग मैम, मैं स्टूडियो में आपका इंतजार कर रहा था। नहीं नहीं, मुझे लिफ्ट मिल गई, थैंक यू। करण जोहर को क्या कहानी सुनाएगा? पूरी बांध। हाय। आई मिस यू सो मच राइट नाउ। हाँ वो आंटी जी कैसे? कितना बोलती है, बिल्कुल तुम्हारे जैसी है। थैंक यू। तुम टीवी में बहुत हैंडसम लग रहे थे। यस आई नो। तुम ठीक तो हो सानी? नहीं यार नानी, ये स्क्रिप्ट मेरा दिमाग खा रही है, समझ नहीं आ रहा कल तक कैसे खत्म करूंगा, लिखने का मन ही नहीं कर रहा है। मैं भी इधर बहुत बोर हो रही हूं। घर आ जा। नहीं नानी, मुझे बहुत काम है यार, मुझे काम करना है, बाय। नो नो नो, प्लीज थोड़ी देर और बात करते हैं, मुझे बातें करने का मूड है। इन फैक्ट बहुत कुछ करने का मूड है, मैं घर आ जाऊं? नहीं नहीं नानी, मुझे बहुत काम है यार, डेडलाइन है, प्लीज आई हैव टू वर्क। हां मैं बाद में बात करता हूं ना। व्हाट? सनी ना बोल रहा है, ये कैसे दिन, आई मीन कैसी रात आ गई? थी ना, उन्होंने लिफ्ट मांगी मुझसे, तो मैं उन्हें होटल ग्रैंड तक छोड़ने गया था। होटल ग्रैंड ब्यूटी? सनी वो 2 घंटे टैक्सी मंगा देते हैं। नहीं नानी, वो मिस माया की टांग टूटी हुई थी ना, तो हाँ मैं नानी कह सका। ओह माय गॉड, वो लेडी, अच्छा हुआ तुमने उसे लिफ्ट दिया। हाँ देखा, ना बोलना कितना मुश्किल है। हाँ हाँ चल नानी, मुझे काम करना है यार। कितनी बार एक ही बात, बार बार दोहराओगी क्या? बोला ना आऊंगा। अरे गुस्सा क्यों हो रहे हो? अरे गुस्सा नहीं यार, मैं बिजी काम कर रहा हूँ, इट्स इम्पोर्टेंट यार, समझते नहीं हो तुम लोग। बाय। या आई लव यू टू। हाँ पिंडी, अरे
मत भेज, डोंट सेंड द एसएमएस सनी, मत भेज। देखो सनी भैया, चंदा बाबा हंस रहे हैं। सनी मर गया बेटा तू। नहीं नानी यार, क्या करूं मैं। भगवान जी सॉरी, भगवान जी वो नानी कहती है कि जब भी कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप हमेशा सबको सही रास्ता दिखाते हो। भगवानी मैं कुछ गलत कर रहा हूँ क्या? नहीं, आई मीन अगर कुछ गलत कर रहा हूँ तो आप एक इशारा दे दो, मैं सही रास्ते पे आ जाऊँगा। सॉरी, ओ एक इशारा। कोई भी इशारा, कभी भी
बस एक इशारा कर देना। उसने कहा कि जब मैं कहूँ आएगा वो मेरे को। Ready. उठना उठना पड़ेगा। आज बहुत काम है। मंडोले मेरा टंडोले कुकु कुकु, मंडोले मेरा टंडोले कुकु कुकु, दिल बोले मंडोले मेरा टंडोले कुकु कुकु, दिल बोले प्यार में जैसे पागल होके दुनिया बोले कुकु कुकु, ये ज़मीन और आसमान भी मिलकर बोले कुकु कुकु। My God, नानी, तुम यह क्या कर रही हो? सानी, तुम सोफे पे क्यों सोए थे? मैं नानी, नानी, टाइम क्या हो रहा है? ग्यारह। अरे ग्यारह, बाप रे, मुझे बहुत काम कर। नानी, मुझे बहुत। छोड़ो सानी, बेडरूम चले। नानी, I need to brush my teeth. सानी ना बोल रहा है। बाहर आ गए? आप जरा एक मिनट रुकेंगे? बाहर? डीपी अंकल, आपने किस गधे को भेज दिया? मैं क्या करूं इसका? Diwali in advance. Thanks. मैं तुम्हारे लिए अंजू होगी। ओए अंजू। अंजू, it's पार्वती का। पार्वती, मैं बहुत बीमार हूँ। Sorry. सर, हमें सनी के बारे में कुछ फैसला करना चाहिए। ये तो हद हो गई। मैं उसे संभाल नहीं पाती हूँ और मेरे हिसाब से कोई ऐसा है भी नहीं जो उसे संभाल पाएगा। माइकल, yes, देखिए, मैं आपको नौकरी पर नहीं रख सकता। yes, sir. देखिए, मैं आपको नौ ठीक है, कल दिवाली है और सुरेश भी नहीं। सर, मुझे नौकरी मिल गई? नहीं, रमा भी वेरी हैप्पी। सर, रमा, माय वाइफ, वो हमेशा कहती है कि तुम्हें कभी भी नौकरी नहीं मिलेगी। क्या? सर, मैं आपको बताऊं, दो दिन से ज्यादा मैं कहीं टिकता ही नहीं। थैंक यू सो मच। और करना क्या है? फॉर्म भर दीजिए। और यूनिफॉर्म? सर, हाँ, यूनिफॉर्म भी भर दीजिए। वेलकम। Thank you.
सोच के समझ के जरा थम के काम करूंगा मैं आज जम के किया है मैंने पक्का इरादा इस बार दो दिन से ज्यादा इस बार दो दिन से ज्यादा नानी मैं कोई मिस माया को जानता नहीं यार तो फिर वो अपने कपड़े क्यों उतार रही है व्हाट आई मीन व्हाट आया है Sunny. I do 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 do. Oh, oh, Pandey ji, मेरा मग दीजिए please coffee. Pandey ji, आप मेरे घर में क्या? नहीं नहीं रहने दीजिए मैं जानना भी नहीं चाहता. Thank you. Pandey ji, आपकी coffee. Thank you. Thank You're you welcome. Very much. गुड मॉर्निंग करण आज आप भी लेट जागे ए सनी तुम्हारा इंटरव्यू क्या था असल में कल रात को मैं पिक्चर देख रहा था कौन सी शमशान में सुहागरात बस फिल्म से नहीं पाओगी नहीं नहीं सनी नहीं आपको नहीं बोला करण सुनो सनी मेरे पास एक आईडिया है बाप रे ठीक है चलो शाम को बैठते हैं आज शाम नहीं पांडे जी हमारे घर जा रहे हैं हम लोग अच्छा हां ओके बाय करण सनी तुमने टाई पहनी थी ना कहां है कहाँ है सनी आई थिंक माया तुम्हें पसंद करती है नानी मैं आज शाम नहीं आ पाऊंगा क्या 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 कहा तुमने नानी मुझे बहुत काम है और लगता है मैं आज शाम को नहीं आ पाऊंगा तुम आराम से काम करो हम लेट निकलेंगे देखो कैसे देख रही है तुम्हारी तरफ नानी नहीं तुम अकेले ही जाओ देखो मैं ऐसे काम नहीं कर सकता मैं किसी और दिन आता हूँ सनी ये गलत बात है वो लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और जो तुम कर रही हो वो सही है अरे मुझे इतना काम है ये सब काम छोड़ के सिर्फ एक डिनर के लिए सिर्फ एक डिनर सनी तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कितने दिनों के बाद आ रहे हो तुम मेरे घर और वो लोग जिन्होंने जिंदगी भर दिवाली नहीं मनाई आज सिर्फ तुम्हारे लिए और अंजू सनी तुम मुझे गुस्सा मत दिलाओ मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी तुम काम खत्म करो और फिर हम जाएंगे मैं आप लोगों के लिए कुछ अच्छा खाने को बनाती हूँ ओके बहुत अच्छा आइडिया है ओके अरे क्या ओके पागल हो गया क्या तू शादी के मामले में आप ए नानी नहीं यार तुम जाओ ना मेरा काम खत्म हो गया तो मैं अपने आप आ जाऊंगा यार नहीं मुझसे ऐसे काम नहीं होगा यार ये क्रिएटिव काम है प्लीज मुझ पे और प्रेशर मत डालो तुम भी देख रहे हो सनी पांडे जी आप शांति रखेंगे कौन देख रहा है क्या देख रहा है किसको देख रहा है आप चुपचाप से देखिए ना आप लोगों को समझ में नहीं आता यार मुझे काम करना है कैसे कहूं यार मुझसे ऐसे काम नहीं होता है मुझे अकेला छोड़ दो ताकि मैं शट अप पांडे जी अपना काम कर सकूं तुम सीरियसली बोल रहे हो हाँ नानी तुम जाओ तुम नहीं आ रहे हो नहीं करना सिर्फ एक बहाना था ना सनी माया है माया है माया है मतलब मतलब मैंने डैड को बुलाया इसलिए तुम नाटक कर रहे हो ना यू नो व्हाट सनी अगर मेरे पास चॉइस होती तुम्हारे जैसे पति या डैड जैसे पिता मैं डैड को चुनती तब तो सनी तुम्हारा भाई हो जाता ना पांडे जी वन मोर टाइम पांडे जी
आप अपने घर जाएंगे प्लीज। और ये मैच 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 मत कीजिए, मुझे बहुत काम है, चलिए अपने घर चलिए। छोड़ दो मेरा हाथ। क्या ये मेरी पिक्चर नहीं, हमारी पिक्चर का नाम है जो तुम लिखोगे, औरत के बदन पे आधारित, और करण जौहर उसे डायरेक्ट करेंगे। उस पांडे जी कम से कम करण पर तो रहम खाइए। पांडे जी अब मैं वापस वहां जाऊंगा और लिखने बैठूंगा। और पांडे जी हेलो, पांडे जी आप फिर पिक्चर के बारे में सोच रहे हैं ना? मत सोचिए, लड़की के बारे में सोचिए, लड़की के बारे में, लड़की के बारे में सोचिए। You okay? Yeah, yeah. लेकिन मैं तो ब्रह्मचारी हूँ। क्या? अरे छोड़िए ये ब्रह्मचारी यार, ब्रह्मचारी वाली फारी बीमारी छोड़िए और एक सुंदर नारी ढूंढिए और बनिए एक एक शानदार ब्रह्म नारी। जोश के सही इस्तेमाल का एक ही उपाय है, ब्रह्मचारी छोड़िए दोस्त और ब्रह्म नारी बनिए। ठीक है, ये ब्रह्म नारी क्या होता है? मुझे क्या मालूम है, कोई मैन टू वुमन डिक्शनरी में जाके चेक कर लो। चलो चलिए आप। और छोड़ दो मेरा हाथ। देखना यार सब ठीक है ना? ये डील चाहिए चाहिए यार, एक ही कॉपी है यार। चिल चिल रिलैक्स, ठीक ही तो है सब कुछ। ये लिफ्ट का है यार। कुछ लेकर कुछ देना है, कुछ खोकर कुछ पारा है, और हलवा कुछ देकर कुछ लेना है, कुछ खोकर कुछ पाना है, और हलवा हलवा तो बस एक बहाना है। सनी सेंटिमेंटल मत बन, हलवा बना। हेलो होटल हिंदुस्तानी, हाँ आपके पास गाजर का हलवा है? नो हेलो, हाँ आपके पास गाजर का हलवा है? नहीं है? नहीं सीताफल आइसक्रीम नहीं चाहिए। हेलो मौसम क्या, हलवे का कोई मौसम होता है क्या? एकदम नहीं। हाँ हेलो आप फिर से, नहीं नहीं सीताफल नहीं चाहिए यार। बना ले। लेकिन बनाने के लिए चाहिए क्या? नथिंग यार, गाजर शक्कर दूध किशमिश सिंपल शिट। बना ले बना ले कूल। हेलो लक्ष्मी दोस्त, हाँ गाजर भेजो। माइकल ऐसा आमी में करते हैं, ये पिज्जा शॉप है। भूख हमारी दुश्मन है, कस्टमर हमारा दोस्त है। हम भूख के खिलाफ इस जंग के सिपाही हैं। हम हमेशा हमारे दोस्त को दुश्मन से बचाएंगे, दुश्मन चाहे किसी भी शक्ल या सूरत में आए। सिपाही यस। अच्छा गुड गुड सर, मैं बाय हार्ट करूंगा। लंच 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 पिज़्ज़ा। सर एक डिलीवरी है, उस फौजी को भेजो क्या? प्लीज कुछ भी करके उसे कहीं भी भेज दो, यहाँ रहेगा तो मुझे पागल कर देगा। ओके सर। सोच 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 सनी, ठंडे दिमाग से सोच। ओके हमने बस क्या क्या है, गाजर है, किशमिश, चीनी, दूध। दूध को तो हमेशा उबालते हैं ना, दूध उबालो। ओके अब गाजर, ये पीलना वीलना नहीं है, डायरेक्ट कचुंबर। यार ये सब टूट जाएगा, पहले कचरा वचरा साफ करते हैं। सॉरी नानी। पागल तो नहीं हो गया? किस
तो दूर की बात है, हमें तो साथ भी नहीं होना चाहिए। हमारे बीच कुछ भी कॉमन नहीं है। खुशबू चुराती ये हवा चलेगी। नहीं कॉमन है। मैं वही तो कह रही हूँ, नथिंग कॉमन है। नहीं इडियट, नहीं नहीं कॉमन है। हाँ नहीं नहीं यार, नहीं नहीं नहीं। एक तो हमारा कुछ मिलता नहीं है और ऊपर से तुम पागल हो। हमारी लव स्टोरी का यही दी एंड होगा। ओए नी कॉमन है, JENNY, SUNNY नी, देखा जेनी सनी। अब हमारे बीच नी कॉमन है, हम प्यार कर सकते हैं ना। दिस इज द लास्ट टाइम आई एम डूइंग दिस। हमारे बीच नानी कॉमन हो या नहीं? अरे नानी नहीं, नी नी। देखो ऐसे, देखो ऐसे, देखो नी बोलो, नी नानी। नो नो नी, देखो और बोलो, देखो होंठ ऐसे करो, नी नो नी नी। ये बेबी तो हमारे बीच नी कॉमन है। तो मैं तुम्हारी नानी? नहीं यार। अच्छा तुम मेरी नानी? बस पक्का? तुम्हें पता है इसका मतलब क्या है? क्या? कि अब तुम कोई गलत काम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जब भी तुम कोई गलत काम करोगे तो मुझे याद करोगे। क्यों? कहावत नहीं सुनी? जब भी तुम कोई गलत काम करोगे तो पिटोगे, और पिटने से नानी याद आ जाएगी। नानी? चिंता मत कर यार, सिर्फ कहावत है, कौन आएगा तुझे तेरी नानी याद दिलाने। हैप्पी दिवाली सर। वन लार्ज। क्या था? स्पेशल पिज्जा, पैन पिज्जा। थैंक यू सर। सर 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 क्या आपका बिल सर? 265 रुपया। क्या बिल? तुम्हारा ही रूल है, आधे घंटे के अंदर तो बिल, आधे घंटे के बाहर तो फ्री। तो फ्री तुम लेट आए सर। क्या ये कैसे हो सकता है? मैं लेट नहीं हूँ। मैंने यूनिफॉर्म जल्दी से पहन ली सर, एक साइज टाइट है फिर भी मैंने पहन ली। और फिर उन लोग ने पिज्जा रिकॉर्ड टाइम में बनाया और मैं डायरेक्टली आ गया। मैं लेट कैसे हो सकता हूँ सर? सर 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 गुजरा हुआ वक्त वापस नहीं आता, पिज्जा डिलीवरी बॉय कभी लेट नहीं लाता। सुनो ट्रेनी, ये क्या तुम लोगों का प्रॉब्लम है? ट्रेनी क्या नाम है तुम्हारा? सर मेरा नाम माइकल है और ज्यादातर लोग मुझे माइकल ही पुकार रहे हैं। ओके माइकल, तुम्हारा नाम क्या? घड़ी है सर। नहीं माइकल ये घड़ी नहीं, ये ओमेगा है। क्या क्यों क्यों हंस रहे हो? ये आम घड़ी है। आम? एक तो तुमने इसे सिर्फ घड़ी कह के इंसल्ट किया और ऊपर से आम। अगर मेरी जगह यहाँ जेम्स बॉन्ड होता ना तुम्हारी जान ले लेता। ये ओमेगा है माइकल, और ओमेगा कभी, आई रिपीट, कभी गलत नहीं होता। कभी गलत नहीं होती? कभी नहीं। लेकिन ये फास्ट है सर। माइकल तुम जानते हो मैं कौन हूँ? जेम्स बॉन्ड? नहीं माइकल मैं जेम्स बॉन्ड नहीं हूँ, और मैं जेम्स बॉन्ड नहीं हो सकता हूँ क्योंकि मैंने अभी अभी कहा था कि अगर मेरी जगह यहाँ जेम्स बॉन्ड होता तो हम दो हैं अलग अलग। दो आपके जुड़वा भाई। अरे यार माइकल मुझे सचमुच बहुत डर लग रहा है, और मैं पांडे जी का पड़ोसी हूँ फिर भी मुझे डर लग रहा है। माइकल तुम सचमुच नहीं जानते मैं कौन हूँ? अभी
समझ गया सर, मैं आपके साथ हूँ। नो, मैं आपको बिल्कुल नहीं पहचानता। वो जेम्स आप कहाँ गए? कितने अच्छे आदमी थे, आपने उसके साथ क्या किया सर? तू कौन हो सर? कैसे कर रहा हूँ? क्या बकरे हो यार है? सर आप कोई और बनने की कोशिश कर रहे हैं सर, मैं आपका गेम समझ गया। अब आप किस को एक्टिंग करेंगे सर? नो, मुझे लाखों काम करने हैं, तुम जा सकते हो, गुड बाय सर। यस माइकल। सर अब बिल का क्या सर, मैं मैनेजर को क्या बोलूंगा सर? अपने मैनेजर से कहना कि तुम देर से आए थे। ओमेगा नेवर गलत, हर वक्त सही वक्त, मुझे मालूम सर। यस माइकल, हैप्पी दिवाली सर। हाँ जरूर। रिपी अंकल अब मैं क्या करूं? Sir, sir, what is the time, please? 1:20. 1:20. Sir, sir, sir. Are you sure? 1:20. Sir. Omega. Huh? Omega. Happy Diwali, sir. हाँ जरूर। क्या? Sir. मैं बिल्कुल लेट नहीं था सर। सर मुझे नीचे एक आदमी मिला, वो जेम्स बॉन्ड नहीं था, लेकिन सर उसकी घड़ी सही टाइम देती है सर। माइकल, माइकल। यस। माइकल, मेरे दोस्त, आई हैव नो टाइम फॉर ऑल दिस राइट नाउ। तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है मुझे कितना काम है। गुड बाय। सर, सर। यस माइकल। मेरे पैसे सर। माइकल, माइकल तुम्हें ज्ञान देता। लाइफ में हमेशा मेहनत की रोटी के अलावा कोई भी रोटी कभी भी हजम नहीं होती, तो जाओ मेहनत करो और मेहनत की रोटी। हेलो पार्वती, नो मैं बहुत बीमार हूँ। पार्वती हम मैं ऑफिस नहीं आ सकता हूँ। पार्वती हाँ रियली, अरे मैं झूठ क्यों बोलूँगा? कस्टमर हमारा दोस्त है और दोस्त की हमेशा मदद करनी चाहिए। सनी मुझे बेवकूफ मत समझो, दिस इज सीरियस। इस फ्रॉड को कोई कस के दो हाथ लगाए ना तो मजा आ जाए। छोड़ो मुझे यार, पागल हो गए तुम? क्या करो, मुझे मारा क्यों? सर निकल गया। क्या निकल गया? क्या निकल गया? आपके गले में जो घुस गया था। मेरे गले में कुछ नहीं घुसा था, तुम मेरे घर में घुस आए हो ना, गिरो। सर प्लीज मेरे पैसे। माइकल मेरे घर में घुस आने के लिए और मेरी पिटाई करने के लिए मैं तुम पर केस नहीं कर रहा हूं, इसके लिए शुक्र करो और गेट आउट। गेट आउट ऑफ माय हाउस, गेट आउट। जेम्स बॉन्ड, आप गिर के बेहोश हो गए। जेम्स, अरे यार तुम, ओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा था ना तुम्हें जाने के लिए। सर क्रैक हमारा दोस्त है और दोस्त की हमेशा मदद करी। किताब नहीं प्लीज, थैंक यू। सर आप गाजर का हलवा बना रहे? हाँ
सर मेरी रमा से अच्छा कोई गाजर का हलवा बना ही नहीं सकता। रमा का? मेरी बीवी। अच्छा। मुझे बहुत कुछ बनाने की कोशिश करते लेकिन मैं कुछ सीख ही नहीं पाया। बहादुर औरत। पता नहीं क्यों मैं गाजर का हलवा बनाने सीख गया। शाबाश। कुछ तो सीखा लाइफ में। सर ये आपकी ग्रेटनेस है सर कि आपने मेरी गलती सुधारने का मौका दिया सर। सर जब मैनेजर को पता चलेगा कि मैंने आपकी कितनी मदद की तो मुझे कभी नहीं निकालेगा सर। हाँ जरूर हलवा बनाओ हलवा। थैंक यू वेरी मच सर। डोंट थैंक मी मेक द हलवा। यस सर कस्टमर हमेशा सही होता है। सर माइकल अभी तक नहीं आया। गुड माइकल 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 प्लीज ब्रदर मैं काम करने की कोशिश कर रहा हूं। सॉरी सर। थैंक यू सर। यस माइकल। सर आप अपनी नानी से बहुत प्यार करते ना। हाँ क्या अब क्या बक रहे हो तुम। आपको पता है सर जब आप यहाँ बेहोश पड़े थे सर तो आप क्या कह रहे थे पता है सर। आपको पता है रामा हमेशा क्या कहती है। नहीं लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझे बताए बिना छोड़ोगे नहीं। करेक्ट। रामा कहती है कि मुसीबत में इंसान हमेशा उसी को याद करता है जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करता। सर अब मान लो कि आपने मुझे मारा और मैं बेहोश हो गया। काश। तो मैं क्या करूंगा। रामा 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 ओ रामा ओ रामा रामा रामा। हलवा प्यार से बना था उसे। सर इस वक्त आपकी नानी जी कहाँ है। मैं बस सनी को अकेला नहीं छोड़ना चाहती। हम दोनों फिर कभी इकट्ठे आएंगे। थैंक्स मॉम आई लव यू। अंजू है वहाँ। उसने कहा कि जब मैं कहूँ आएगा वो मेरे लिए। थैंक्स मॉम बाय लव यू। हाउ डू 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 समी आई डू। पांडे जी आप जरा प्लीज चेंज करेंगे। हाँ मैं इतिहास चेंज करने वाला हूँ। आज से मैं करूंगा कराटे डांस और योगा। पांडे जी क्यों क्यों। नहीं 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 मैं जानना ही नहीं चाहता। आप मुझे मत बताइए। आप जाइए जरा चेंज कीजिए। देखो देखो सनी मैं अभी 50 मील दौड़ने वाला हूँ। कितना। 50 मील। तुम खाली टाइम का ध्यान रखना। क्या टाइम हुआ। आज सैटरडे है। हाँ। आप अभी निकलिए। हाँ। अगले महीने फिर मिलेंगे। अगले महीने। ये कौन है। तुम कौन हो। हलवा कौन। ये माइकल वो मेरी मदद करने आया है। गिराक हमारा दोस्त। माइकल स्टॉप। हलवा बनाओ। हाँ हलवा बनाओ हलवा बनाओ। हलवा बनेगा तो शूटिंग से पहले मुंह मीठा हो जाएगा। हाँ जरूर। उस तरफ देखिए। इधर इधर तो कुछ भी नहीं है। यप सनी बाय गॉड इधर कुछ नहीं है। नमस्कार सनी जी। नमस्कार गुरुजी जी। नए जीवन का पहला कदम रखने जा रहे हैं। सोचा प्रस्थान करने से पहले दोबारा आपका शुक्रिया अदा करें और आपकी शुभकामनाएं साथ में ले जाएं। ए तू हिंदी में बात कर। जी जाइए जाइए जल्दी जाइए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद जी धन्यवाद। कला मेरी भी कामनाएं तेरे साथ हैं। घोर कलयुग घोर कलयुग। मेरे पास एक आइडिया है। मेरे पास भी आइडिया है। क्या। नहीं सुनना है। ये लो। हेलो। अरे क्या कर रहे हो। मैसेज पढ़ो उसी एड्रेस पे जाना है। जल्दी करो। यस मैम। ए ए माइकल फोन उठाओ फोन उठाओ। फोन बज रहा है यार प्लीज। हेलो। यस मैम।
1 मिनट सर। हाँ? आपके लिए कोई पार्वती कुक्कड़। मैम वो घर पे नहीं है। घर पे है वो, घर पे है वो, 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 वो दाढ़ी बना रहे। वो दाढ़ी नहीं बना रहे, वो बाथरूम है। वो शूटिंग कर रहे बेडरूम में। वो बेडरूम में सल्यूट कर रहे बेडरूम में। बुखार है, बुखार है, वेरी गुड। सांस लेने में तकलीफ है, सांस लेने में तकलीफ है, वेरी गुड। आखिरी सांस ले रहे वो मर गए, वो मर गए। वो जिंदा है, मैंने नहीं, वो जिंदा है, मैं वो जिंदा है, वो जिंदा है। सॉरी छोटो बेडरूम में, वो बेडरूम में सो रहे। पसीना भी उठा। नो मैम, उन्हें वो बाथरूम में मरे नहीं, वो जिंदा है। आपको इतना अफसोस क्यों है? एक मिनट मैम, प्लीज होल्ड ऑन। यस मैम, देंगे। फिर यहाँ पे पॉज लेना है ना। ओके, इससे ओ एक मिनट। ओके मैडम, थैंक यू वेरी मच, बाय। क्या कहा आंटी ने? उन्होंने कहा कि अगर आप काम पे नहीं गए तो आपको नौकरी से निकाल देंगे। अब अभी रुकूंगा। रमेश, मैं उसकी धमकियों से नहीं डरने वाला। इससे धमकी समझने की भूल मत करना। वो मुझे काम से निकालेगी, वो मुझे ज्ञान गुरु, वो काम से निकालेगी वो। अरे मुझे काम से निकालना उतना ही आसान है जितना पांडे जी को आज शाम तक लड़की मिलना। मुझे काम से निकालेगी। कौन निकालेगा मुझे काम से? माइकल तुम बताओ, कौन 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 निकालेगा कौन मुझे नौकरी से? सर मुझे पता नहीं, मैंने नहीं पूछा सर। नहीं यार, वो मेरे बोलने का स्टाइल है। कहा था ना लेखक, यू डोंट वरी, मैं ज्ञान गुरु हूँ, ज्ञान गुरु। मुझे नौकरी से कोई नहीं निकाल सकता। सो माइकल, हाउ डू आई लुक? लग रहा हूँ वेरी स्मार्ट सर। थैंक यू। बिल्कुल फिल्म स्टार की तरह। हलवा रेडी? यस सर। टडडडा टडा। माइकल तुम कुक नहीं, कलाकार हो यार। अमेजिंग। ओके माइकल, ब्रदर कुछ करो यार। ब्रदर तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया, मैं भी तुम्हारे लिए कुछ करूँगा। हालांकि ये मेरे उसूलों के सख्त खिलाफ है। सर मेरे पे मैं मम्मीज पिज्जा फोन करूंगा और तुम्हारी सिफारिश करूंगा, उनसे कहूंगा कि तुम्हें बहुत जल्द परमानेंट बनाया जाए। इतना ही नहीं, मैं ये भी भूलने को तैयार हूं कि तुमने मेरा पिज्जा लेट लाया। खुश? थैंक यू सर। मेंशन नॉट माइकल, इसीलिए तो हम इस दुनिया में हैं, एक दूसरे की मदद करने के लिए। एक हाथ दे, एक हाथ ले। माइकल किताब नहीं। ओके माइकल, थैंक यू, दैट्स इट, गुड बाय। चलो सर। सर सर हाँ, हैप्पी दिवाली सर, आपको भी और अपनी नानी जी को भी। सर मैं भी आपको समझ पा रहा हूँ, आप ये सब अपनी नानी जी के लिए कर रहे हैं ना, आप कह नहीं पा रहे। नो माइकल, तुम गलत समझ रहे हो। वो इनफैक्ट मेरी नानी जी तो बहुत साल पहले गुजर गई। नानी, नानी दरवाजा क्यों बंद किया? नानी मैं एक सेकंड में खिड़की से छुपट। तुम्हें मेरे लिए काम करना पड़ेगा, एक आखिरी काम। ओके नानी, बाहर मेरा इंतजार करेंगे, मुझे जाना पड़ेगा। तुम लेट है ना, दरवाजे से हिलना नहीं। माया नाम की एक लड़की आएगी, उसे यहाँ बैठाना और मेरे लिए इंतजार कराना। ओके मैं जल्दी वापस आऊंगा। सनी दरवाजा खोलो। समझ गया? अगर तुम समझ गए तो दो बार अपनी मुंडी हिलाओ, दो बार। ओके गुड बाय माइकल, ऑल द बेस्ट। सनी। हाँ हाँ नानी।
हम चोरों जैसे क्यों भाग रहे हैं? अरे नानी क्या चोर और साहब अपन है ना पायलट का है क्या? मतलब आपने इसे कहीं देखा है क्या? नो सॉरी नानी तुम पहचानते हो? मुझे क्या मालूम? सॉरी बाय कम ऑन अरे क्या स्टार्ट हो गई जरूर कोई गलत टर्न लिया होगा उसका घर मेरे होटल से सिर्फ 5 मिनट दूर है मैडम शट अप आई एम सॉरी आई मीन शट अप चला रहा है लव यू अंजू सुना कहती आई लव यू टू हाँ अंजू हम आ रहे हैं बैटरी तुम मुझे तो आजकल कभी नहीं कहते क्या लव यू अंजू वो क्योंकि तुम्हारा नाम अंजू नहीं है ना हम फनी तुम्हें पता है मैं क्या कह रही हूँ अब ये बकवास लव सीन बंद करो जल्दी कर चल यार माया वहाँ वेट कर रही है मेरा थोड़ी मोबाइल की बैटरी भी डेड हो गई माया सनी ने कुछ कहा वो कितने बजे वापस आएंगे जल्दी आएंगे कहा और आप वो मेरे दोस्त हैं और आप मम्मीज पिज्जा के लिए काम करते हैं आपको किसने कहा यू आर वेरी स्मार्ट आप ठीक तो है ना ये सनी कहाँ गए हैं अपने नानी के साथ क्या वो सब मुझे पता नहीं देखिए क्या हुआ मैं बोलता हूँ पहले सनी यहाँ आके बेहोश हो गया फिर अपनी नानी को याद करने लगा नानी नानी फिर जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि नानी को मरे हुए अरसा हो गया फिर घंटी बजी उसने दरवाजा और फिर इतना डर गया जैसे कि भूत को देखा हो क्यों अपनी नानी वापस आ गई थी एक मिनट मुझे समझ नहीं दो तुम कह रहे हो कि सनी की मरी हुई नानी जिंदा होकर वापस आ गई हवा की आवाज होगी शायद मुझे तो किसी की चीख सुनाई दी इम्पॉसिबल वहां कोई नहीं था आपको पता है एक बार मैं घर में अकेला था
मैंने फ्रिज का दरवाजा खोला और किसने छीका? अंदर देखा तो कुछ नहीं था, सिर्फ एक बटर का टुकड़ा था। उसके बाद कभी उस बटर के टुकड़े ने छीका? मैंने एक हफ्ते के लिए उस पर नजर रखी, तो उसकी पहली और आखिरी छींक थी। लेकिन आज अलग था। आज पता चला कि भूत घर का दरवाजे की घंटी बजा के अंदर आता है। सरी, रिलैक्स माया, रिलैक्स। सरी नमस्ते। क्या, कहाँ जा रहे हो तुम? ओ नानी, नो पार्किंग है ना, तो मैं पार्किंग करके आता हूँ। I'll meet you in some time. ओके ओके। अरे क्या, आप गाजर का हलवा खाएंगी? गाजर का हलवा जी जरूर। सर, सर वो लाइसेंस। सर जाने दीजिए ना प्लीज। सर लाइसेंस। सर जल्दी में था सर। लाइसेंस। सर लाइसेंस घर पे भूला है सर। बहुत बुरा किया। नाम? सर प्लीज सर जाने दीजिए जल्दी। टाइम खोटी मत कर। नाम? पुंडोरी काखो पुरो काएश्तो। क्या? पुंडोरी काखो पुरो काएश्तो। चल इस बार जाने देता हूँ, अगली बार बिना लाइसेंस के घर से निकलने का नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू। तो आप सनी की फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं? जी जी। अरे तो आराम से बैठिए ना। ये वही जो करण जौहर डायरेक्ट कर रहे हैं? हाँ, मतलब अगर करण करना चाहता है तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि वही ना जो औरत की बदलते हुए। हाँ, बदन पे ही आधारित। आपको सनी ने बताया? आपको गाजर का हलवा अच्छा लगता है ना? बहुत, मुझे भी अच्छा लगता है। मैं स्वीट बहुत खाता हूँ। अच्छा। मेरे घर में बहुत स्वीट रहता है। फ्रिज में मेरे मामा जी लेके आए थे कलकत्ता। अच्छा। से कहाँ रहते हैं? कहाँ रहता हूँ? वहाँ सामने दरवाजे के बाहर फ्लैट में। अच्छा। हीरोइन फाइनल हो गई?
देखा तो कुछ नहीं था। सब काम से माइकल तुम यहाँ बाहर क्या करो? माया गए पांडे जी क्या? पांडे जी क्या? पांडे जी क्या? सनी हाउ डू 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 सनी मैं तो ब्रह्मधारी बन गया ब्रह्मनारी बन गया पार्वती पहचान लिया हैप्पी दिवाली सनी हाँ जरूर यू फायर्ड व्हाट नो 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 पार्वती मुझे नौकरी से कैसे निकाल सकती हूँ मैं तो ज्ञान गुरु हूँ थे सनी थे हूँ नहीं प्रेम पत्र पढ़ लो सर आपको जिंदा देख के मैं बहुत खुश हूँ सर तुम बाहर क्यों खड़े हो खिड़की से बहुत अजीब आवाजें आ रही थी सर क्या मैं बहुत डर गया सर तो माइकल खिड़की बंद कर देना चाहिए था ना सर आपने सुना हाड़ में जाए आवाज माइकल माइकल तुमने माया को पांडे के साथ जाने कैसे दिया यार सर मुझे पता नहीं उसे मैं डरा हुआ था सर ये आपका फ्रिज आपको चेंज करना चाहिए मेरे घर में भी तुम प्लीज जाओ यार प्लीज जस्ट दो उफ करण सावन इस बार दिवाली में बच्चे के लिए क्या खरीदा अरे खरीदने को बहुत दिल करता है यार लेकिन दिल और जेब के बीच अंतर बहुत है ना काश पैसे आने का कोई ऑटोमेटिक तरीका होता अरे पैसा कोई टैक्सी है क्या बुलाया करके आ जाएगा वो हाँ अबे कौन है रे शिट यार मैंने तब करण का फोन क्यों नहीं लिया सर माइकल तुम प्लीज जाओ यार तुम जिसको होम तो करण जी का फोन आया क्या कब सर जब आप बाहर गए थे और फ्रिज में से आवाज आई माइकल माइकल क्या कहा उसने करण ने क्या कहा उन्होंने कहा वो आपके बारे में पूछ रहे थे सर मैं बोल रहा हूँ आपको ये फ्रिज माइकल फॉरगेट द फ्रिज फोकस तुमने क्या कहा करण से मैंने कहा कि आप कहानी में कहीं अटके हुए हैं मैं तुम्हें अपनी कहानी की प्रॉब्लम सुनाता हूँ सुनो मेरे हीरो के सामने दो रास्ते हैं एक अच्छाई का और एक बुराई का उसे उन दोनों में से एक चुनना है सर बहुत इजी है सर वेरी आसान आसान लगता है ना माइकल बट मेरे दोस्त अगर वो अच्छाई का रास्ता चुनता है तो अपने परिवार को चुनता है और अगर वो बुराई का रास्ता चुनता है तो अपने अच्छे और सच्चे दोस्तों को चुनता है तो व्हाट इज द फैसला एंड व्हाट इज द वजह सर उसे अच्छाई का रास्ता चुनना चाहिए लेकिन उसके दोस्तों ने उसका तब साथ दिया था जब उसके परिवार ने उसे छोड़ दिया था तो फिर उसको दोस्तों का साथ लेना चाहिए माइकल इतना सोच के जवाब मत देना हा? मैंने सोचा ही नहीं सर यस माइकल सर हाँ सर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया क्या सर अम्मा ने मुझे एक स्टोरी सुनाई थी क्या करण में महाभारत की सर करण ने दुर्योधन का साथ दिया था जब उसकी फैमिली ने उसका साथ नहीं दिया सर दैट्स द बेस्ट एग्जांपल सर बेस्ट आइडिया सर बेस्टेस्ट आइडिया सर माइकल ब्रिलियंट मैन क्या थ्योरी है माइकल क्या थ्योरी है महाभारत की अमेजिंग
मैं तो स्टूपिड हूँ ना, खामखा दो महीने से सर फोड़ रहा था इस प्रॉब्लम पर। एक काम करना, जब करण का फोन आएगा ना तुम ही उसे बताना। हाँ हेलो करण, हाँ हम अपने हीरो की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए महाभारत थ्योरी इस्तेमाल करेंगे। या अच्छा लगा? नहीं क्यों, मैं खुदकुशी कर लूँ? आप घासलेट का पैसे भेजेंगे मुझे, माचिस भी। थैंक यू सो मच करण, हाउ स्वीट ऑफ यू, मैं घासलेट का इंतजार करूंगा। महाभारत थ्योरी। ए ए माइकल फोन उठाओ, फोन उठाओ। और सर मैंने वो महाभारत की कहानी भी सुना दी। महाभारत का आइडिया वो? नो माइकल प्लीज 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 माइकल, तुम मजाक कर रहे हो ना। प्लीज माइकल, तुमने ऐसा कुछ नहीं कहा ना। सर मैंने कहा, आपने तो कहा था। माइकल मैं मजाक, कम ऑन यार, तुमने ऐसा क्यों कहा माइकल? तुम इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो यार? सर आपने तो कहा था मुझे शेविंग। माइकल मैं मजाक कर रहा था, मजाक। तुम्हें मजाक समझ में नहीं आता है? हां अरे मुझे जोक यार, वैसे जोक। आई एम सो स्टूपिड मैन, मैंने तुमसे मजाक समझने की उम्मीद भी कैसे की। नौकरी, अब करण। तुमने फोन क्यों उठाया? तुमने करण से बात क्यों की? तुमने किससे कहा तुम्हें बकवास करने के लिए करण के साथ? सर, मैं कभी झूठ नहीं बोलता और मुझे बराबर याद है कि आप शेयर कर रहे हो। गेट आउट फूल, गेट आउट, निकलो मेरे घर से और वापस कभी नहीं आना, इडियट। सर, वेरी सॉरी मेरी वजह से आप, लेकिन मैं सब कुछ मान रहा था कि जब आप बाथरूम में मुझे। माइकल मैंने वैसे नहीं कहा था, मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा जो मैं तुम्हें करण जौहर से अपने बकवास आइडियाज फोन पे सुनाने के लिए कहूंगा? अरे तुम्हारे यहाँ भेजे में कुछ है या नहीं? इस सोफे के भूसे में तुमसे ज्यादा भेजा है, उबली हुई गोभी में तुमसे ज्यादा दिमाग है। माइकल तुम्हें तो इतिहास याद रखेगा, वो पहला आदमी, वो पहला इडियट जो माया जैसी औरत को पांडे के साथ जाने देता है। और अगर कोई बेवकूफों की कभी सोसाइटी बनी ना, तो तुम्हारी मूर्ति बना के दिन रात पूजेंगे वो लोग। अब तुम्हें समझ में आता है क्यों तुम्हें हर दो दिन नौकरी से निकाला जाता है? अब समझ में आता है क्यों तुमसे कोई प्यार नहीं करता? सच नहीं है सर, रमा मुझसे बहुत प्यार करता। तो वो तुमसे ज्यादा बड़ी बेवकूफ है। अब निकल जाओ इससे पहले कि मैं कुछ कर बैठूं। गेट आउट, दिवाली। सनी तुम मुझे छोड़कर घर क्यों चले आए? तुम्हें नौकरी से निकाला गया? शायद अब करण की फिल्म भी हाथ से जाएगी। सनी, सॉरी, कैसे हुआ ये? सनी इतना अपसेट होने की जरूरत नहीं है, ओके? वैसे भी मुझे ज्ञान गुरु वाला सनी पसंद ही नहीं है, मुझे मेरा पुराना वाला सनी अच्छा लगता है। हाँ वही तो, किसी को मेरी तरक्की, मेरी सक्सेस पसंद ही नहीं आती, तुम क्यों अलग सोचोगी? सनी कैसी बातें कर रहे हो तुम? छोड़ो, चलो यहाँ से जाते हैं, कुछ ना कुछ सोच लेंगे हम। सनी जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, बिलीव मी, कम ऑन प्लीज, मुझे अकेले छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, जस्ट लीव। ऐसी हालत में मैं तुम्हें अकेला कैसे छोड़ दूँ? इस वक्त तुम्हें अपनों की जरूरत है, ओके? चलो ना, पूरी फैमिली तुम्हारा इंतजार। कितनी बार कहना पड़ेगा नानी, जस्ट लीव मी अलोन, नहीं जाना है मुझे यार। तुम अपनी जिंदगी जियो, मुझे अपनी जीने दो, बार बार फैमिली वैमिली के चक्कर में मुझे मत खींचो यार, तंग आ गया हूं मैं। मैंने कहा था दिवाली मनाने के लिए, डिड आई आस्क यू टू सेलिब्रेट?
जब से ये शादी की बात शुरू हुई तब से दम घुटने लगा है मेरा। सनी तुम ये शादी करना चाहते हो? पता नहीं, कुछ पता नहीं नानी, और अब तो और भी पता नहीं। मैं लेट तो नहीं आया? नो सॉरी डैड, मैं बिल्कुल भूल गई। चलिए चलते हैं। सनी, राजा, तू ठीक है ना? मैं जानता हूं तुझे मुझसे काफी शिकायतें हैं, वो सारी जायज है। मैंने जिंदगी में ज्यादा अच्छे काम नहीं किए हैं और शायद मेरे कर्मों की सजा तुम्हें मिल रही है। बाप ने किया और बेटा चुका रहे। तू मेरा अच्छा बेटा है राजा, और मैं सारी जिंदगी तेरे किसी काम नहीं आया, और अब जिंदगी भी कम है। पता है राजा, मुझे हमेशा एक और औलाद चाहिए थी, लेकिन तुम्हारी माँ ने हमेशा इनकार किया। कहती थी कि मैं उसे उतना प्यार कर ही नहीं पाऊंगी जितना राजा से करती हूँ, तो ये अच्छा नहीं होगा। तब समझ में नहीं आता था कि तेरी माँ क्या कह रही है, लेकिन अब समझ में आ गया है। डैड, मैं गाड़ी में हूँ। हाँ बेटा, आ रहा हूँ। अरे हाँ, ये तेरे लिए। तेरी माँ ने कहा था सही वक्त पर देना। अपनी सारी मंजिलें काश मिल जाती हमें, फूल हमसे ना कोई एक भी होती। काश होता साथ ये जिंदगी भर के लिए, छूटता ना हाथ फिर हाथ से कभी। जो रहा ना साथ तो काश अरमां भी जरा कम होते। कोई होता सहारा, हर दिल का कोई दिल होता प्यारा, हर रात की एक सुबह होती, फूलों सा खिलता जहां। काश ऐसा होता, काश कोई ना रोता, लेकिन
लेकिन ये सही वक्त नहीं है। सब कुछ उल्टा हो गया। काश काश मेरे पास कोई तरीका होता जिससे मैं सब कुछ ठीक कर सकता। पता नहीं क्या समझ में नहीं आता क्या करूं कैसे। आप मुझे एक और मौका दे सकते हैं प्लीज? एक आखिरी मौका। मैं सब कुछ ठीक करना चाहता हूं। मैं कुछ सही करना चाहता हूं। एक मौका प्लीज। सनी जी आप बहुत अच्छे इंसान हैं। बहुत बहुत मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है और म्यूजिक कंपनी को मेरा गाना बहुत पसंद आया। आपने मुझे प्रोत्साहन दिया इसलिए मैं यहाँ तक आगे बढ़ा हूँ। आप बहुत अच्छे इंसान हैं। बहुत भगवान आपको सब कुछ दे। फिर से आपका धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पांडे जी को भी धन्यवाद करके आता हूँ। पांडे ए पांडे पांडे सानी करण 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 हाय। मैं आपको कब से सो सॉरी यार माय मोबाइल फोन डाइड ऑन मी। करण मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर सकता। क्या हो गया कि मुझे चेन्नई जाना पड़ गया अर्जेंट मीटिंग। ओह ओके। अच्छा व्हाई कॉल वाज सो तुम्हारी वो महाभारत वाला आईडिया ना। नहीं, नहीं, मेरा मुझे अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा? हां अच्छा भैया और इंडियन सेंटीमेंट्स का गुड स्कोप है। आई लाइक इट। हां हां इसीलिए तो मैंने उसे सोचा। वेल डन। नो 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 वरीज आके बैठते हैं। हां All right, you have a good Diwali, yeah? All right, okay, all right. Kindly proceed for security check. Bye, Hi. Sunny. Hi, honey. Yes, 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 yes! Yes, I'm back! Oh, thank you, Ma, thank you so much. I love you, Ma, thank you, Bhagwanji. Thank you very much. I love you. Hey, honey. Thank you, baby. I love you. ये सब ठीक किस नहीं है? माइकल बनेट सर आप या मैं क्या हुआ सर सब ठीक तो है ना सर? वो मैं एक्चुअली वो क्या पंखा पंखा नहीं पिक्चर। ओह माइकल आई एम सॉरी यार। एक्चुअली करण जौहर का भी फोन आया और उसे तुम्हारे महाभारत वाला आइडिया बहुत अच्छा लगा तो मुझे लगा कि मुझे आके तुमसे माफी मांगनी चाहिए। थैंक गॉड सर। मैं बहुत परेशानी में था। मैंने समझा मैं आपको इतना नुकसान हो गया सर। नहीं नहीं माइकल मेरी गलती थी। इट वॉज माई फॉल्ट सर। आपको मेरा एड्रेस किसने बताया सर? वो एक्चुअली मैं तुम्हें ढूंढने के लिए पहले मम्मीज पिज्जा गया तो दौड़ा दौड़ा वहाँ गया। उन्होंने बताया कि तुम यहाँ रहते हो। दौड़ा दौड़ा यहाँ पहुँचे और ये माइकल उन्होंने बताया कि तुम्हें भी काम से आज निकाल दिया। एक दिन भी नहीं टिक सका सर रिकॉर्ड। सेम सेम हाँ।
तो फिर अब जब तक आप जैसे लोग इस दुनिया में है तब तक मुझे नौकरी मिलती ही जाएगी। तू चैंपियन है यार। एक हाथ दे, एक हाथ ले। सीख गया। ए, माइकल वो नौकरी गई तो रामा? वो मुझे घर के अंदर ही ज्यादा पसंद करती है। फैंटास्टिक। चलो ये भी अच्छा है। तो मैं चलता हूँ यार। हाँ बाय। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। कुछ करो इसका। सर सर सर। या माइकल। नानी जी का क्या हुआ? ए, ए, माइकल माइकल माइकल। वो पता नहीं क्यों मैंने तब अनजाने में रमा के बारे में मैंने अनाप शनाप बक दिया। आई एम वेरी सॉरी। नहीं 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 नहीं, मुझे लगता है कि मेरी गलती है। मुझे एक बार रमा से मिलकर खुद माफ़ी मांग लेनी चाहिए, वरना मैं अपने आप को कभी नहीं माफ़ कर पाऊँगा। मैं मिल सकता हूँ? माइकल जूते। नहीं, कम कम। रमा कहाँ है? चंदा मामा नहीं आते? नहीं आते। दिवाली में चंदा मामा नहीं, सांता क्लॉस नहीं और सनी भैया भी नहीं। आई डोंट लाइक दिवाली। सर क्या मैं ये नानी का घर। ए, ए, ए कहाँ जा रहे हो तुम? माइकल माइकल माइकल। वो वाली नानी नहीं यार, तुम भी ना बच्चे हो। कम 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 माइकल। अरे डोंट बी शाय, कम ऑन। Okay, so here's the party. Everybody, this is Michael. Hey, yeah. John, how are you? Hi. Uncle John, hello, Michael. Aunt Rosie, kaisi hain aap? Hi, Michael. Aur, namaskar, pata nahi kaun hai. Aur ye hai mere hone wale sasur ji, jo aaj, wah, wah, bilkul made in India lag rahe hain. Michael. Aur, ye mere dad. Dad, ye mera dost Michael. Happy Diwali, dad. Happy Diwali, beta. Aur wo aunt Thelma, unse bach ke rehna, bahut gusse wali hai. Wo sote hue mama ji. और इन सब प्यारे और पागल लोगों के बीच कहीं छुपी है मेरी नानी। प्लीज प्लीज सॉरी सनी, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई। नहीं हाँ गलती हो गई। नानी कुछ
वैसे भी बहुत ज्यादा भूलती होती। अब तुम्हें शादी करनी है? हाँ। हाँ बोलने से पहले रुके भी नहीं? क्यों क्या नानी, हाथ दो। क्यों सनी, क्यों शादी करना चाहते हो? क्या वजह है, क्यों रुके नहीं? अरे रुकूं तो प्रॉब्लम है, नहीं रुकूं तो भी प्रॉब्लम है। बाकायदा तो तुमसे प्यार करता हूँ यार, अब हाथ दोगी कि नहीं? तुम पांडे जी से भी प्यार करते हो, उससे शादी कर दो। नानी दैट्स डिस्गस्टिंग यार, तुमने पांडे जी को कभी हाफ चड्डी में देखा है? सनी वजह क्या है? नहीं मालूम, नो ज्ञान नो आंसर्स नो बुलशिट, नहीं मालूम और मालूम करना भी नहीं चाहता। मैं तो बस अपनी नानी से बहुत प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। अब तुम अपना हाथ दोगी या मुझे उठक बैठक कराती रहोगी? आई लव यू बेबी, आई लव यू। ओह नानी, मैं तुम्हें इनसे मिलाना ही भूल गया। माइकल, माइकल कम, माइकल कम कम, इधर आओ। हाँ हाँ माइकल कम। नहीं ये माइकल, और माइकल ये है मेरी रमा, अभी नानी जी नहीं अब बीवी जी। आप होम डिलीवरी वाले हैं ना? हाँ सही पहचाना तुमने इन्हें, यही है मिस्टर घर पहुंचाने वाले। कभी कोई अपने घर से अपने होम से ज़्यादा दूर फटक जाता है तो ये उन्हें बराबर अपने घर तक वापस डिलीवर कर देते।
आप जल्दी आ गए एग्जाम, आपके लिए तो हमने पूरा एक महीना इंतजार किया। अरे कहाँ जा रहे हो यार, कहाँ जा रहे हो? काम करा ना। हाँ हाँ, प्लीज प्लीज आइए। कहाँ? वहीं किचन के पास में। 40 बार गिर चुका हूँ पिछले एक महीने में। जाइए जाइए लेफ्ट, हाँ काउंटर से राइट, थोड़ा आगे, वाह मिल गया। आओ सुनो ताजा कहानी, बातें नई न राजा न रानी, मस्ती है यारी है कुछ बेकरारी है, थोड़ी हंसी है जरा समझदारी है, खुशियां है गम भी है, तुम भी हो हम भी हैं, ये गाना ही नहीं पूरा एल्बम बम भी है। हेलो बोलो क्या चाहिए, जो चाहिए मिल जाएगा, बंदा खाना क्या आपको घर तक भी पहुंचाएगा। हेलो बोलो क्या चाहिए, जो चाहिए मिल जाएगा, बंदा खाना क्या आपको घर तक भी पहुंचाएगा। पहले हमारा नंबर ले लो, दो दो तीन तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, फिर बोलिए बोलिए आपका ऑर्डर क्या है जी, बस 30 मिनट में आपके घर पे या सब कुछ फ्री। होम डिलीवरी डिलीवरी होम डिलीवरी डिलीवरी। जाओ तुम कहीं तो मुझे फौरन बुला लेना, भटक जाओ राह से जो तो ये नंबर घुमा देना, करना नहीं कोई फिकर तुम, मैं आ गया तुमको मैं पल मैं कर दूंगा।